रूस में हुई गैंगस्टर अजय राणा की हत्या गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कराई है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली। हत्या की वजह बताई गई है प्रतिद्वंदी गुट भूपी राणा के साथ गैंगस्टर अजय राणा के संबंध। उसकी मुखबरी से उसके कई प्लान भी फेल हुए। आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ को भारत सरकार द्वारा देश विरोधी और आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। पंजाबी गायक सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी वही जिम्मेदार है। गोल्डी बराड़ ने पोस्ट में कुख्यात माफिया रोहित गोदारा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात लिखी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपनी पोस्ट में लिखा, अजय राणा उसके प्रतिद्वंदी गुट भूपी राणा गिरोह का सदस्य था। अजय राणा पुलिस को उसके संगठन के बारे में जानकारी दे रहा था, जिससे उसकी योजना भी विफल हो गई थी। फिर वो रूस भाग गया था। भूपी राणा अजय राणा के कहने पर उसके गिरोह में शामिल हो गया और करीबी साथियों के साथ घुल मिल गया। फिर उसने गोल्डी बराड़ और गिरोह के अन्य सदस्यों की गतिविधियों, स्थानों और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया और पुलिस को इसके बारे में बताना भी शुरू कर दिया, जिस कारण उसके कई प्लान फेल हो गए। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने विरोधियों को धमकी देते हुए कहा कि जो भी उसकी गैंग से एंटी चलेगा उसका यही हाल किया जाएगा। उसने विरोधियों को चुनौती दी है, अगर लड़ना है तो सामने आकर लड़े, ऐसे अजय जैसे लोगों को घुसपैठ करना और मुखबरी करवाना छोड़ दे, वैसे दलाल जैसे काम ना करे और मान लो कि अब लड़ने की औकात नहीं रही। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो सदस्य खुद को वकील बताते हुए वकील की ड्रेस में चंडीगढ़ कोर्ट पहुंचे थे। उनका उद्देश्य भूपी राणा को अदालत के पास पहुंचते ही मार देना था। भूपी राणा को 2018 में पंचकूला से पकड़ा गया था और ये बताया जाता है कि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को उस पर हमला करने का निर्देश भी दिया था। गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है लेकिन वर्तमान में यूएसए में शरण की तलाश में है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और कनाडा में काम करना जारी रखा। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों और अन्य गैंगस्टरों के बीच न केवल भारत में बल्कि कनाडा, फिलीपींस और अब रूस में भी खूनी झड़प हो चुकी है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।